दोस्तों, अगर भारत के सबसे प्रभावकारी चित्रकारों की बात करें तो उसमें राजा रवि वर्मा का स्थान सर्वोपरि है। केरला के जन्मे यह राजा रवि वर्मा ने आने वाले भविष्य में सारे चित्रकारों को इंस्पायर किया है। इन्होंने पूरे विश्व को देवी देवताओं के चित्रों से अवगत कराया है। कुछ समय पूर्व हम लोग सिर्फ देवी देवताओं को मूर्तियों के जरिए जानते थे, जो कि हम पत्थरों में उन्हें पूजा करते थे। लेकिन जब से राजा रवि वर्मा ने अपने पेंटिंग्स के थ्रू देवी देवताओं को एक स्वरूप दिया, उसके बाद से पूरा विश्व जान पाया कि किस तरीके के हमारे देवी देवता दिखते हैं। वैसे तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स में हमेशा रॉयल्टी देखने को मिलती थी। वह हमेशा महाराजा महारानियों और कई अमीर लोगों के पेंटिंग्स बनाया करते थे। लेकिन राजा रवि वर्मा सबसे प्रथम लिथोग्राफ बनाने वाले सभी आर्टिस्टों में से एक थे। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफ के थ्रू अपनी पेंटिंग्स जनता तक पहुंचाई। आप लोग अपने घरों पे कैलेंडरों पे देवी देवताओं के चित्र बने हुए तो देखते हैं, जो कि हमें आजकल आम लगते हैं। लेकिन सदियों पहले जब राजा रवि वर्मा ने हमें उनके चित्र से अवगत नहीं कराया था, तब तक हम ये नहीं जानते थे कि हमारे जो देवी देवता हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो आखिर दिखते कैसे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू आइए जानते हैं राजा रवि वर्मा के बारे में 15 रोचक बातें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, फैक्ट नंबर 15 है, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल के एक शहर किलिमनौर में हुआ था। राजा रवि वर्मा कवियों और आर्टिस्ट के परिवार में पैदा हुए थे। उनकी माँ का परिवार मात्र वंशी प्रणाली का पालन करता था, इसलिए राजा रवि वर्मा अपनी माँ के परिवार के थे और उनके बच्चे उनकी माँ के परिवार के थे। फैक्ट नंबर 14 है, जब राजा रवि वर्मा अपनी युवावस्था में ही थे, तभी उनके अंकल ने उनके आर्ट के टैलेंट को पहचान लिया था और उन्हें उस समय के राजा अहिल्यम तिरुनल के पास भेज दिया था। उन्होंने ही राजा रवि वर्मा को आर्ट्स में एजुकेशन पूरी करवाई और उन्हें वेस्टर्न स्टाइल की पेंटिंग से भी रूबरू करवाया और साथ ही साथ उन्हें महल के पेंटर के अंडर ट्रेनिंग भी दिलवाई। फैक्ट नंबर 14 है, वर्मा ने 18 साल की उम्र में ही एक 12 साल की लड़की भागीरथी बाई से शादी कर ली थी। भागीरथी एक शाही परिवार से थी। दोनों को 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई थी। इनमें से ही उनकी एक पुत्री महाप्रभा अमप्पय उनकी कई सारी फेमस पेंटिंग्स में देखने को मिल सकती है। फैक्ट नंबर 12 है, 1904 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से वाइसरॉय लॉर्ड ने वर्मा को कैसारी हिंद गोल्ड मेडल दिया था। यह मेडल मिलने के बाद से ही उनका टाइटल राजा पड़ गया। वर्मा खूब शौक से अपने नाम के आगे राजा लगाना पसंद करते थे। फैक्ट नंबर 11 है, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स इतनी ज्यादा मशहूर हो गई कि उनके छोटे से शहर किलिमनौर में एक पोस्ट ऑफिस खोलना पड़ा, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से उनके पास पेंटिंग्स बनाने के लिए ऑफर और रिक्वेस्ट आने लगी। फैक्ट नंबर 10 है, उस समय में ऑयल पेंटिंग एक नया माध्यम था और यह केवल मदुरै के एक आर्टिस्ट रामास्वामी नैयर को ही आता था। रामास्वामी को ऑयल पेंटिंग की तकनीक की गहरी समझ थी। राजा रवि वर्मा की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए इन्होंने एक प्रतिद्वंदी की तरह देखने लगे और उन्होंने राजा रवि वर्मा को ऑयल पेंटिंग की टेक्निक सिखाने से मना कर दिया। अरुमुगम पिल्लई जो नैयर के शिष्य थे, उन्होंने राजा रवि वर्मा को ऑयल पेंटिंग की तकनीक और बारीकियां सिखाई। पिल्लई अपने गुरु के घर में चोरी छुपे जाकर उनको ऑयल पेंटिंग की तकनीक को देखा करते थे। फैक्ट नंबर 9 है, राजा रवि वर्मा ने 1894 में एक लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी, जो बाद में उन्होंने जर्मनी के एक टेक्नीशियन को बेच दी। इस प्रिंटिंग प्रेस में बनी पेंटिंग्स देवी देवताओं और महाभारत, रामायण और पुराणों के दृश्य दिखाती थी। इस प्रिंटिंग प्रेस में छपी ये पेंटिंग्स आज भी हजारों घरों में देखने को मिल जाएंगी। फैक्ट नंबर 8 है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में तमिलनाडु के एक क्षेत्र चेट्टीनाड की महिलाओं ने राजा रवि वर्मा की लिथोग्राफ को जड़दूर कढ़ाई और चमक के काम में सजोया। ये सारे प्रिंट्स राजा रवि वर्मा की प्रिंटिंग प्रेस के ही थे और ये 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। फैक्ट नंबर 7 है, राजा रवि वर्मा के भाई श्री राजा राजा वर्मा एक पहुंचे हुए परिदृश्य कलाकार थे। राजा रवि वर्मा की जिंदगी के बारे में जितना भी हम आज जानते हैं, उसका श्रेय राजा राजा वर्मा द्वारा लिखी गई इस डायरी को जाता है। राजा रवि वर्मा के भाई उनके आर्टिस्टिक और बिजनेस मैनेजर थे। फैक्ट नंबर 6 है, वडोदरा के महाराजा ने राजा रवि वर्मा को कमीशन पर रखकर उनसे हिंदू मैथोलॉजी की पेंटिंग्स और रॉयल परिवार की पेंटिंग्स बनाने को बोला था।
इन्हीं पेंटिंग से आए एक बहुत बड़ा कलेक्शन वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में आज भी डिस्प्ले पर लगा हुआ है। फैक्ट नंबर 5 है, 2013 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने राजा रवि वर्मा के सम्मान में बुध ग्रह पर एक क्रेटर का नाम वर्मा रख दिया। इस विषय में अधिक जानकारी आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4 है, राजा रवि वर्मा की दो पोतियों को ट्रेंकोर के शाही परिवार में अपनाया गया था और उनके वंशज आज भी रॉयल परिवार का हिस्सा है, जिसमें ट्रेंकोर के महाराजा रामा वर्मा 7 शामिल हैं, जिन्होंने 2013 में गद्दी संभाली थी। फैक्ट नंबर 3 है, भारत की सबसे अधिक बिकने वाली कॉमिक अमर चित्र कथा में जो पेंटिंग्स हैं वह राजा रवि वर्मा की बनाई गई पेंटिंग से ही प्रभावित है। फैक्ट नंबर 2 है, 2014 में राजा रवि वर्मा की जीवनी पर बनी एक फिल्म रंगरसिया नाम से रिलीज हुई, जिसकी कास्टिंग में रणदीप हुड्डा और एक्ट्रेस नंदना सेन शामिल हैं। फैक्ट नंबर 1 है, 2008 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे महंगी सिल्क साड़ी का नाम जोड़ा गया। इस सिल्क साड़ी के ऊपर राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई 11 पेंटिंग्स को रिप्रोड्यूस किया गया था। वर्मा की मशहूर पेंटिंग्स गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन इस साड़ी का मेन अट्रैक्शन है। 8 किलो की यह साड़ी 40 लाख रुपए में नीलाम हुई और इसे बनाने के लिए 36 कारीगर 12 महीनों तक हाथ की बुनाई करते रहे। दोस्तों, यह थी राजा रवि वर्मा के बारे में 15 रोचक बातें जो शायद आपको नहीं पता थी। डायबिटीज से जूझ रहे राजा रवि वर्मा ने अक्टूबर 1906 में अपनी आखिरी सांस ली। आज 110 साल बाद भी उनकी कला की और उनकी पेंटिंग्स की चर्चा की जाती है और यही विरासत उनके बेटे रामा वर्मा द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है, जिन्होंने मुंबई में मशहूर जे स्कूल ऑफ आर्ट में अपनी आर्ट की पढ़ाई पूरी करी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह की अपकमिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के थ्रू हमें सजेशंस दीजिए कि हम किस तरह की वीडियोस बनाएं और किन टॉपिक में आपके लिए वीडियोस लेके आएं।